हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 3 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दिस वीडियो लेक्चर we already discuss what is the complex number in a previous video. Today we are going to discuss argand plane and argument and the polar representation of the complex number. Basically, यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट हमें बताना है, सपोज 1 2, तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस चॉइस करते हैं एंड वाई एक्सिस, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ देम इज कंसिडर एज ओरिजिन 1 2 3 1 2 एंड 3। हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पॉइंट 1 एंड द वाई कोऑर्डिनेट एज 2 एंड बोथ मीट ईच अदर एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट पी 1 2। समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल उसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। वी नो वेरी वेल बोथ आर एक्चुअली रियल नंबर्स, बट एक्स इज नोन एज रियल पार्ट एंड दिस वाई इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। सो एक्स रिप्रेजेंट विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, सो दिस एक्सिस नाउ नोन एज रियल एक्सिस, इसे हम कहेंगे रियल एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, एंड द ऑर्डर पेयर कैन बी रिप्रेजेंट एज एक्स वाई। सच प्लेन इन विच we have to represent a complex number is known as argand plane, इसे हम कहेंगे argand plane, इसे एक नया नाम देंगे argand plane। क्लियर दोस्तों? ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एक्स वाई एनी वेयर, वी डोंट नो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अननोन, लेकिन मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसका हम नाम देते हैं क्यू एक्स कॉमा वाई। तो ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ जेड, एंड दिस मेजरमेंट कैन बी रिप्रेजेंट एज by using Pythagoras rule in Cartesian right angle triangle in this. तो ओ क्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड, ये है मॉड्यूलस जेड। समझ रहे हैं दोस्तों? ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वन पॉइंट क्यू डैस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस वाई, सो क्यू डैस इज द रिप्रेजेंट ऑफ कंजुगेट जेड, तो इट इज नोन एज जेड बार, एंड जेड बार इज नोन एज एक्स माइनस आई वाई। तो एग्जैक्टली इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट को क्यू डैस। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ओ क्यू डैस, इट इज ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ जेड बार,
ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉइंट पी जो है उसका ही इमेज ना हो। सो कंजुगेट एक्ट एज इमेज ऑफ इट्स कंजुगेट। क्लियर दोस्तों? तो जेड की जो इमेज बनती है बाय थ्रू दिस आर्गेंट प्लेन, वो है उसकी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट वैल्यू। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर हम जिसे बनाते हैं, ये जो एंगल होगा यहाँ पर थीटा, तो दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? आर्ग्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? आर्ग्यूमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। याद रखना दोस्तों, थीटा। ठीक है? एंड दिस पॉइंट क्यू विच इज हैविंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई और इन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज एक्स प्लस आई वाई, इसको हम थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे पोलार फॉर्म। क्या कहेंगे? पोलार फॉर्म। आज हम इस फॉर्म की बात करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू ऑल्सो नोन एज आर, इसे हम आर कहेंगे। यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में है, आप ध्यान से देखिए, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स अपॉन ये मॉड्यूलस जेड मीन्स आर, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर ले सकते हैं। Therefore, x can be represented as r cos theta and y represented as r sin theta. Clear दोस्तों? And tan theta is equal to sin theta upon cos theta. तो इसके जरिए sin theta है y and this is the x. Therefore, theta is equal to tan inverse y upon x. This theta is known as, इसे बोलते हैं देखिए tan inverse y upon x. तो ये है एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। नाउ पोलर फॉर्म भी रिप्रेजेंट एज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉमन, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होगा पोलर फॉर्म। वेर वी नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू y upon x, therefore theta is also known as tan inverse y upon x. Remember this, theta is belongs to from pi minus pi to pi. ये है ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल। इन द अदर वर्ड वी कैन राइट एज माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। सच थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इन कार्टेशियन और इन आर्गेंड प्लेन यहाँ पर है माइनस पाई। देखिए ये तो आपको मालूम है, 0 π/2 एंड पाई। जब एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो क्लॉक वाइज जाएंगे, तो 0 -π/2 एंड माइनस पाई। ध्यान दीजिएगा, यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 to π/2 का कोई भी एंगल हम लिख सकते हैं। यदि आर्ग्यूमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किसी भी एंगल को हम लिखेंगे पाई माइनस एंगल, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो
थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कोई भी एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट कैन बी रिटन एज माइनस एंगल। समझ गए आप? ठीक है दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन हम पढ़े जिससे आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि पोलर फॉर्म में किस तरह लाना है। चलो क्लियर यहां तक? ओके, एक एग्जांपल को हम अच्छी तरह समझते हैं जिससे आपको मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 7, डू योरसेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू -16/(1+i√3) इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहले तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लाना है, फिर बाद में पोलर फॉर्म में जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग, चलो वी विल स्टार्ट। जेड इज इक्वल टू -16/(1+i√3) विच इज मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 1-i√3। क्लियर दोस्तों? तो ये वैल्यू होगी -16+16√3i, क्लियर, डिवाइड बाय 1² + √3² इनका तो प्लस ही होगा, ये ऑलवेज बी रिमेम्बर। चलो दोनों में से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, या तो फिर हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू होगी -4+4√3i डिवाइड बाय √3² 3 + 1 = 4 एंड 4 कैंसल। सो हियर वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -4+4√3i। चलो क्लियर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है, यहां पर x और y है, तो a के बदले में लेना है x और b के बदले लेना है y। समझ रहे हैं आप? x y के फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट यहां पर है। चलो, तो कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ x + yi or iy। सो लेट x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 4√3। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे r। r इज इक्वल टू √x² + y² ओके, सो स्क्वेयर ऑफ -4 विच इज 16, ये वैल्यू होगी 48, है ना। चलो 16 + 48 ये वैल्यू होगी 64, देयरफॉर r इज इक्वल टू 8 एंड r ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज द मैग्नीट्यूड। एंड cos theta इज इक्वल टू x/r एंड sin theta इज इक्वल टू y/r। x इज -4/8, सो इट इज -1/2। 4√3/8, इट इज √3/2। अब देखिए दोस्तों, हम आर्ग्यूमेंट कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या डिसीजन लेना होगा, क्वाड्रेंट। कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू ऑल एसटीसी सेकेंड क्वाड्रेंट। एक बात तो तय है, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए पाई माइनस लिखेंगे। अब हमें चॉइस करना है एंगल, फॉर व्हाट एंगल
वैल्यू ऑफ साइन बिकम रूट थ्री बाई टू, तो ये वैल्यू होगी 60 डिग्री, मीन्स पाई बाई थ्री. सो पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 2π/3. क्लियर दोस्तों? सो पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. आर वैल्यू है 8, कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3. तो ये हुआ हमारा फाइनल रिजल्ट. क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए. 5.2 में फाइंड आर्ग्यूमेंट एज वेल एज मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. एग्जाम्पल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं. लेट जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई. तो देखिए, एक्स क्या होगा? माइनस रूट थ्री. एंड वाई क्या होगा? तो आई का जो कोएफिशिएंट है वो है 1. ओके दोस्तों, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आर, जो कि फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1 4, जिसका स्क्वायर रूट होगा 2. क्लियर? अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपन आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन आर. माइनस रूट थ्री बाई टू एंड हियर 1/2. अगेन यहां पर देखिए, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो यह है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई माइनस से. साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है? 1/2. इट्स 30 डिग्री, कैन बी रिप्रेजेंट एज पाई बाई सिक्स. सो इट इज 5π/6. देयरफॉर पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड आर इज इक्वल टू 2. कॉस थीटा इज इक्वल टू 5π/6 प्लस आई साइन अगेन 5π/6. क्लियर दोस्तों? ये है हमारा आंसर. एंड मॉड्यूलस की जो बात की है, मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी नो वेरी वेल इट इज 2. क्लियर दोस्तों? इस तरीके से हम ये सभी एग्जाम्पल को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 5th है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 5th. बाकी के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 6, 7 एंड 8 डू योर सेल्फ, आपको ही करना है. एग्जाम्पल 5 जो है, जेड इज इक्वल टू -1 -i. मान लीजिए यदि हमारे पास में -1 ही है जेड इज इक्वल टू, तो एक्स होगा -1, रियल पार्ट नहीं, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो वाई 0. यदि -i होता तो एक्स 0 एंड वाई इज इक्वल टू -1. ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताया है. क्लियर दोस्तों? आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे. ओके, चलो आज के सेशन का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा. क्लियर दोस्तों? ओके, सो लेट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू ऑल्सो -1. जेड इज आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये वैल्यू होगी √2. अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपन आर एंड
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन आर लेना होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, आर इज इक्वल टू रूट टू, इट इज ऑल्सो माइनस वन अपन रूट टू। आप ध्यान से देखिए, दोनों ही साइन एंड कोसाइन फंक्शंस बोथ आर नेगेटिव, सो ऑल एस टी सी यहाँ पर साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते हैं माइनस पाई प्लस से। ओके, अब वन बाई रूट टू कौन से एंगल की वैल्यू है? दोनों में पाई बाई फोर की वैल्यू है। यदि हम ये लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये होगी वैल्यू माइनस थ्री पाई बाई फोर, माइनस फोर पाई प्लस फाइव, माइनस फोर पाई प्लस फाइव, माइनस थ्री पाई बाई फोर, इट्स अ आर्ग्यूमेंट, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, देयरफॉर पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोस्तों आप अच्छी तरह समझ लीजिए, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू थिंग्स। चलो पहली क्या चाहिए हमें, मॉड्यूलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट हमें मिल चुका है, सो आंसर इज रूट टू इन टू कॉस ऑफ माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन ऑफ थ्री पाई बाई फोर। अच्छा फिर से लिखेंगे विथ प्रॉपर स्पेस, यहाँ पर कुछ स्पेस हमें दिखाई नहीं दे रही है तो अरेंज करके फिर से लिखते हैं, रूट टू इन टू कॉस ऑफ माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन ऑफ माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो ये है पोलर फॉर्मेशन। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको भी ये बहुत ही अच्छी तरह के से मालूम हो चुका होगा कि किस तरह से हम पोलर फॉर्म लाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखकर जो मैंने आपको आपके लिए एग्जांपल रखे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करिए तो श्योरली आप सक्सेसफुल होंगे। क्लियर? थैंक यू।